पिछले लेक्चर में हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन का एक तो सब्सट्रैक्शन था या एडिशन था, और वो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में कितने फंक्शंस थे रे? दो फंक्शंस थे। नाउ आज क्या देखेंगे रे? देखो यहां भी प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, लेकिन कितने फंक्शन का प्रोडक्ट है? एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन। और वो थ्री फंक्शन के प्रोडक्ट का क्या है? एडिशन है। प्रोडक्ट कितने का भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक एक का डेरिवेटिव लेते जाना। नाउ सॉल्यूशन, पहला क्या है रे? एक्स ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स साइन एक्स ई रेस टू माइनस टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बार बीच में क्या साइन है? प्लस। इसीलिए हमने क्या किया? डेरिवेटिव्स का एडिशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, रूट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स, ठीक है ना। अभी कितने का प्रोडक्ट है रे? तीन का। तो क्या करेंगे? हर टर्म में एक एक का डेरिवेटिव लेंगे, पहले पहले का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे टर्म में दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, तीसरे टर्म में तीसरे का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे इधर वैसे ही उधर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, पहले में पहले का डेरिवेटिव लिया, पहले टर्म में पहले का डेरिवेटिव लिया, दूसरे टर्म में दूसरे का डेरिवेटिव लेते। नाउ एक्स लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अभी चले लॉग एक्स के तरफ। नाउ दिस इज एक्स ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। नाउ प्लस, यहां प्लस है तो प्लस लेते, क्योंकि इधर आगे तो पूरा डेरिवेटिव बैठेगा नहीं, इसलिए इधर ले लिया। देखो क्या है, साइन एक्स एज इट इज ई रेस टू माइनस टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस रूट एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस टू एक्स। देखो यह तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक दो तीन टर्म आ गए, बीच में प्लस है तो प्लस ले लिया, तीन टर्म का प्रोडक्ट था तो तीन टर्म्स आ गए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ होता है वन, कैसे रे? एक्स का पावर वन है, वन नीचे आएगा, एक्स के पावर में वन माइनस हुआ माना वन माइनस वन जीरो, सो इट इज ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स? डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, और ये आ गया एक्स लॉग एक्स ई रेस टू एक्स। एंड बोलो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाय एक्स, नीचे वाला एक्स ऊपर वाला एक्स कट गया और ये आ गया ई रेस टू एक्स। चाहे तो एक्स इंटू वन बाय एक्स लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। नाउ दूसरा टर्म देखो, साइन एक्स ई रेस टू माइनस टू एक्स, बोल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स, सो रूट एक्स ई रेस टू माइनस टू एक्स कॉस एक्स।
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस टू एक्स? ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स का माइनस टू प्लस रूट एक्स माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स। सो ये हो गया क्या रे? डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन अलोंग विथ इट्स समेशन। बराबर है, समझा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। जब भी कभी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करना। लॉग में एक्स स्क्वायर है, हमने बोला था पिछले के पिछले वीडियो में, लॉग में मंकी रूल अप्लाई होता है। पावर जो होता है वो मंकी होता है। मंकी क्या करता है? सीधा भी उड़ी मारता है, उल्टा भी उड़ी मारता है। सो इट इज लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू एन लॉग एक्स। वाई इक्वल टू ये आ गया टू लॉग एक्स। यहां पावर 5/2 है, उसको बोला बाहर आ जा, इंटू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। ये ऊपर जाके एक्स रेस टू -7/2 हुआ। ये टू और ये टू कट गए, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। बोलो क्या होगा? लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इज लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स एक्स रेस टू -7/2। फॉर्मूला क्या है? देखो, लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन लॉग एक्स। यहां लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर नहीं। सो देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते, लॉग ऑफ एक्स होल रेस टू एन को भी एन लॉग एक्स लिखते। ये गलत है। सो फॉर्मूला काई के लिए है? फॉर्मूला लॉग के आर्ग्यूमेंट का पावर। ये अंदर जो होता है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते, उसका पावर आ जाता है। और यहां लॉग एक्स का होल रेस टू एन है, लॉग का यदि पावर आया तो वो पावर बाहर नहीं आता, वो पावर पावर ही रहेगा। नाउ अभी क्या हो सकता है? ये दोनों में से साइन एक्स कॉमन आके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बराबर है? यहां दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ये तीन का प्रोडक्ट हो गया। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई बोला मुझे साइन एक्स कॉमन लेके सॉल्व करना है, कर सकते हैं। कोई बोला मुझे अलग अलग के लेके सॉल्व करना है, कर सकते हैं। आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? ये तो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने से क्या करेंगे अभी? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे? एक्स के साथ करेंगे। देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 5 तो बाहर रह गया ना। ये क्या हुआ रे? देखो, पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया। यस, अभी यह तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो देखो, साइन एक्स इंटू एक्स रेस टू -7/2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस दूसरे में क्या होगा रे? साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा
प्लस तीसरे में क्या होगा रे? तीसरे में होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू -7/2। हमने क्या किया बाबू? पहले में दो फंक्शन का प्रोडक्ट था और दूसरे में तीन फंक्शन का प्रोडक्ट था। सो इट इज 5 लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अभी हम थोड़ा आगे 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 नया नया फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। नाउ ये आ गया एक्स रेस टू एन, बराबर है? ये जरा समझना, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन पावर को नीचे लेना, पावर को एक माइनस करना, कर दिया ना। अभी तक क्या होता था? ये केवल एक्स होता था, इसीलिए एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, हमने लिया नहीं। लेकिन यहाँ लॉग एक्स है, तो बाबू ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो केवल फंक्शन था और ये कंपोजिट फंक्शन है, बराबर? पावर आ गया तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेना, पावर नीचे लेना, पावर में एक माइनस करना, एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस इज लॉग एक्स। ये इसका डेरिवेटिव उधर बैठेगा नहीं, इसीलिए हमने उसको इधर बोला आ जा। क्या बोला? आ जा ना। साइन एक्स एक्स रेस टू -7/2, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू -7/2 ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स -7/2। पावर नीचे आया, पावर में एक माइनस किया, सो ये बन गया 5। यहां प्रॉब्लम खत्म हो गए क्या? नहीं। क्यों रे? क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि यहां डेरिवेटिव है। जब तक पूरा डेरिवेटिव नहीं जाता तब तक हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन खत्म हो गया। सो देखो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x। हो गया? हो गया। नाउ दिस इज साइन एक्स, ये माइनस है तो नीचे लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने पास अपने साथ झगड़ा तो करने वाला है नहीं। एक्स रेस टू -7/2 नीचे आके हो गया एक्स रेस टू 7/2। इधर भी क्या हो गया रे? ई रेस टू एक्स कॉस एक्स एक्स रेस टू 7/2, -7/2 ई रेस टू एक्स साइन एक्स। ये -2 -7 -2 -9 -9/2 एक्स रेस टू -9/2 नीचे आके क्या हो गया रे? एक्स रेस टू 9/2। बोलो कहीं डेरिवेटिव है? कहीं डेरिवेटिव है? कहीं भी डेरिवेटिव नहीं है। सो ये हो गया dy/dx, समझा? नाउ देखो रे, पहले हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बाद में हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, अभी क्या हो सकता है रे? प्रोडक्ट ऑफ फोर फंक्शन। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रोडक्ट ऑफ फोर फंक्शंस का क्या है? एडिशन है ना। 1/1 हम देखते हैं, जरा प्रॉब्लम क्या होगा रे? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा
बड़ा होगा, लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो, पहले टर्म में तो 1, 2, 3, 4 अलग अलग फंक्शन है। देखो, दूसरे में क्या हम 4 का प्रोडक्ट देखेंगे? नहीं, क्योंकि क्योंकि बोलो ये रूट एक्स है और ये एक्स स्क्वायर। रूट एक्स, बोलो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? इसका प्रोडक्ट करके बताता हूं, एक्स रेस टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स रेस टू 5/2। एडिशन, प्रोडक्ट में एड पावर का एडिशन होता है। सो वाई इक्वल टू आ गया एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू 5/2 इंटू टेन एक्स। देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू 5/2 टेन एक्स। यहां कितने फंक्शन का प्रोडक्ट है रे? चेक करो, 1, 2, 3, 4। कितने टर्म्स आएंगे रे? 4। और टर्न बाय टर्न एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। देखो, ई रेस टू एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स? दूसरा किसका डेरिवेटिव होगा रे? डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। तीसरे में किसका डेरिवेटिव होगा रे? लॉग एक्स। एक्स ई रेस टू एक्स साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। और चौथे में किसका डेरिवेटिव होगा रे? साइन एक्स, दैट इज एक्स ई रेस टू एक्स लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस। नाउ प्लस, यहां कितने फंक्शन का प्रोडक्ट है रे? 3। देखो, एक्स रेस टू 5/2 टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5/2 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू 5/2 डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। सो 2 फंक्शंस का एडिशन था, इसीलिए डेरिवेटिव का एडिशन हुआ। पहले में क्या था रे? 4 का प्रोडक्ट था, सो 4 टर्म आ गए। दूसरे में क्या है रे? 3 का प्रोडक्ट था, 3 के डेरिवेटिव्स यानी 3 टर्म आ गए। अभी क्या करते, देखो इसको बड़े प्यार से लिखते। देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव आ गया क्या रे? 1 लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स एक्स लॉग एक्स साइन एक्स ई रेस टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये एक्स और ये एक्स कट गया, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। सो ये आ गया पहला टर्म। अब चले दूसरे टर्म की तरफ। एक्स रेस टू 5/2 टेन एक्स। देखो,
ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स का वन, सो ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन इसके पावर का डेरिवेटिव माइनस वन होता है। ठीक है, अभी तक ई रेस टू एक्स था तो एक्स का डेरिवेटिव हमने वन लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, नाउ प्लस एक्स रेस टू फाइव बाई टू का डेरिवेटिव फाइव बाई टू, एक्स रेस टू फाइव बाई टू माइनस वन इज थ्री बाई टू, इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू फाइव बाई टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। सो पहले टर्म में चार फंक्शन का प्रोडक्ट था और वो चारों भी अलग अलग थे, यहां भी चार फंक्शन का प्रोडक्ट था लेकिन उसमें दो फंक्शन अलजेब्रिक थे, और जब अलजेब्रिक होते हैं तो क्या करते हैं रे, क्या करते हैं रे, प्रोडक्ट में पावर का एडिशन कर दिया। सो ये बन गया क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन वन के बाद हम चले क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। बोलो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज एक्स रेस टू फाइव बाई टू, ये क्या था, लेट इट बी सेवन बाई टू। ठीक है, ये है अपना टू। नाउ अब क्या करेंगे रे? सबसे पहले चेक करेंगे कहीं काटा काटी होता है क्या। देखो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम कोई काटा काटी नहीं। देखो ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू सेवन बाई टू, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ कुछ काटा काटी होता है। कोसेक एक्स इज वन बाई साइन एक्स, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोई काटा काटी नहीं हो रहा है। जब काटा काटी नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखेंगे और उसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव बाई टू ई रेस टू एक्स टेन एक्स इंटू लॉग एक्स। एडिशन है तो एडिशन लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू सेवन बाई टू कोसेक एक्स इंटू बाबू कॉस एक्स। अभी क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, जरा थोड़ा एक स्टेप स्किप करते हैं, क्योंकि जब हम पहली में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हो जाता है तो सेकंड स्टैंडर्ड में हमारा थोड़ा स्पीड बढ़ना चाहिए, बराबर है ना। तो देखो यहां भी अभी हम स्पीड थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते। देखो पहले किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स रेस टू फाइव बाई टू का, एक्स रेस टू फाइव बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, फाइव बाई टू एक्स रेस टू फाइव बाई टू माइनस वन, दूसरा तीसरा चौथा एज इट इज। नाउ पिछले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में हमने क्या किया, एक स्टेप स्किप किया। अभी थोड़ा ऐसा ही पहले जैसा लिखते जाएंगे तो हम जे डबल एडवांस तक कब जाएंगे। सो थोड़ा कहीं तो भाई हमें दिमाग कंसेप्चुअली लगाना पड़ेगा। देखो इसका बारी खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, बोलो बोलो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। देखो इसका टर्न हो गया, इसका टर्न हो गया, अभी चलेंगे टेन एक्स। बोलो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स बाबू, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स लॉग एक्स एज इट इज, बराबर है। देखो पहले का डेरिवेटिव आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव आ गया, तीसरे का डेरिवेटिव आ गया, अभी किसके तरफ चलते, लॉग एक्स की तरफ। नाउ देखो
एक्स रेस टू 5/2 ई रेस टू एक्स इंटू टेन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x। ठीक है, अभी और एक एक का डेरिवेटिव लेके जाते। पहले लेते ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स, दिस इज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस। दूसरी बार डेरिवेटिव लेते एक्स रेस टू 7/2 का, 7/2 एक्स रेस टू 7/2 माइनस वन अभी किसका डेरिवेटिव लेते रहे? कोसेक एक्स का। बोलो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बेचारा कॉट एक्स एज इट इज, प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स एक्स रेस टू 7/2 इंटू कोसेक एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। सो ये प्रॉब्लम में हमने क्या किया? जरा डी बाई डी एक्स लिखने का एक एक स्टेप हमने जरा स्किप कर दिया। अभी हमें थोड़ा आगे आगे चलना है, तो कुछ कंसेप्चुअली दिमाग लगा के अपने आप को आगे बढ़ाना है। देखो अभी तक हमने क्या देखा? एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्स्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, देयर मे बी अ प्रोडक्ट ऑफ एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मे बी टू मे बी थ्री मे बी फोर। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिवीजन, तब तक।